बॉडीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी। पूरा उत्तर प्रदेश घूम के इस वक्त हम उत्तर प्रदेश कह लें या देश कह लें सबसे हॉट सीट पर हैं। नाम है वाराणसी यानी कि बनारस लोकसभा, और बनारस आज मेहरबान है, एकदम बढ़िया मौसम हो रखा है, बादल छाए हुए हैं, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, और शाम का 6 बजे के बाद का वक्त है। ये वो वक्त है जब बनारस के लोग बाहर निकलते हैं घरों से और चाय पीने निकलते हैं, और चाय की जब बात होती है तो बनारस की सबसे मशहूर दुकान है पप्पू की अड़ी, जहाँ पर बैठकी का माहौल जमता है। और अगर ऐतिहासिक रूप से देखें तो तमाम बड़े बड़े नेता जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर राजनाथ सिंह से लेकर वीपी सिंह से लेकर तमाम लोगों ने यहाँ बैठकर इस दुकान के अंदर चाय पर चर्चा की है। और चाय पर चर्चा, जो प्रधानमंत्री मोदी का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, उसकी शुरुआत 2014 के वक्त में सबसे पहले इसी दुकान से हुई थी। तो इस दुकान में हम आए हैं, बड़ा मूड माहौल समझेंगे कि बनारस क्या है। इस बार प्रधानमंत्री मोदी चुनाव में एक बार फिर से सीट से मैदान में हैं, 10 साल से यहाँ के सांसद हैं, क्या काम किया, लोग क्या सोचते हैं वो समझेंगे। मगर उससे पहले थोड़ा ज़रा चाय की दुकान आपको दिखा दें। अब पप्पू साहब तो बैठते नहीं यहाँ पर, भाई साहब बैठते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश है। सतीश जी, कब से बैठ रहे हैं यहाँ पे? हम बैठ रहे हैं 10-12 साल से बैठ रहे हैं। अच्छा, ये दुकान तो बहुत पुरानी है, ऐतिहासिक दुकान है ये, और जिनके नाम पे है वो कहाँ भाई साहब? वो पापा है, घर पे रहते हैं। पिताजी हैं आप जी? तबीयत ठीक नहीं रहती किस नाम ने? पैर उनका नहीं रखते सर, थोड़ा सा पैर खराब रहता है। अच्छा, तो आप आपसे संभालते हैं काम? जी हम बैठते हैं, हमारे भैया बैठते हैं। प्रधानमंत्री मोदी कई बार चाय पीने यहाँ आए, इस बार आए क्या अभी? नहीं, इस बार तो नहीं आते, प्रोटोकॉल था नहीं उनका। अच्छा, आप 2022 में आए थे जब वो कॉरिडोर को उद्घाटन करने आए थे, उसमें आए थे मोदी जी। अच्छा, 3 चाय पिया था उन्होंने। 3 चाय पिए? ऐसी क्या खास बात है भैया चाय में? चाय अलग तरीके से बनती है ना, खौलाग नहीं बनती है। कैसे? लेमन टी भी बनती है, दूध वाली भी बनती है। दूध वाला एक खुद लेमन टी पिए थे। अच्छा, मोदी जी सब कुछ टेस्ट किए थे जी। इस बार इंतजार है? बिल्कुल बिल्कुल। कैसा चल रहा है चुनाव में, क्या माहौल चल रहा है? बस एक तरफा माहौल है। एक तरफा माहौल है जी। ऐसा तो नहीं आपके दुकान पे आते इसलिए? ऐसी बात नहीं है, आप पूछ सकते हैं, बनारस में किसी से भी पूछ सकते हैं, एक तरफा माहौल है। अच्छा, बनारस में भाई साहब कह रहे हैं किसी से भी पूछ सकते हैं कि चुनाव में क्या माहौल है, तो क्योंकि मौसम अच्छा है तो तमाम लोग जो दुकान के अंदर होते हैं वो बाहर जमे हुए हैं। देखिए ये बुजुर्ग लोग, आप लोग के बैठ के वैसे अंदर लगती है, मगर आज मौसम ठीक है इसलिए बाहर लग गई है। आज ऊपर वाले देवता मेहरबान हैं, है मौसम ठीक हो रखा है, उमस कम है, नीचे वाले जी ये मोदी या योगी और भाजपा पर भी मेहरबान है। अच्छा, ताकि घर घर आप जा करके पर्ची बांटिए और कहिए मतदाताओं से, कहिए कि वोट दो कमल में। हाँ, जितने गंदे हैं सब नीचे जा रहे हैं और गंदगी में कमल बह रहा है, कमल की ऊंचाई बहुत हो गई। क्या नाम है आपका? उदय नारायण पांडे, 93 ईयर्स, नवयुवक है, 93 साल के नवयुवक हैं। हाँ, आप देखिए यही अदा है बनारस वालों की कि उनके बाहर बात में जो है एक चोट है, एक मजा है। तो आप कह रहे हैं कि मौसम इसलिए मेहरबान हुआ ताकि भाजपा वाले अपना प्रचार कर पाए, तो प्रचार तो फिर कांग्रेस वाले, बसपा वाले, अन्य लोग भी कर पाएंगे? देखिए प्रचार तो करना है, एक काम है, राजनीति है, बिना प्रचार के भी कमल खिलेगा। प्रचार भी नहीं करें तभी मोदी आएंगे। अच्छा। इस देश के देश में मोदी के अलावा कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, न कांग्रेस है न बसपा है। रोज मार कर रहे हैं, प्रयागराज में मार हो गई, जौनपुर में मार कर दिए, क्या नाम है आजमगढ़ में मार कर दिए, मार ईटा ईटा चलाते हैं सब। हाँ, इसलिए जो है यह इस देश का विकल्प केवल मोदी है, मोदी का मतलब भाजपा है, कमल है। प्रचार करें न करें फर्क नहीं पड़ता, कोई तब भी कमल। प्रचार तो मोदी जी खूब कर रहे हैं, वो काम अपना कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? राम जी, राय नाम है जी। राम जी प्रचार तो मोदी जी कर रहे हैं खूब, जिस भाई कह रहे हैं बाबू जी। नहीं, प्रचार तो भाई अपना अपना अपने अपने दल की बात तो कहना ही है। पहले तो 80 के बारे में समझ लीजिए, जितने लोग हमारे बैठे हो यहाँ, मान लीजिए डॉक्टर काशीनाथ सिंह को जानते हैं आप?
तो उनकी काशी की अस्सी काशी हाँ तो उसमें ये दिए हैं कि यहाँ कमीने पैदा ही होते हैं और कुछ दर कमीने होते हैं और हम लोग दर दर कमीने में से तो इसके बाद आप जो पूछिएगा यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, अगल बगल सारे वही बैठे रहेंगे लेकिन ये काम चलता रहे। ये जो आपने क्वालिटी बताई दरदर वाली, हाँ, ये कैसे आती है? अरे क्या बात, ये कितना हम गाली देंगे, हम कहेंगे कि ठीक है चल, जब हम गाली देंगे तो ये छुप होंगे भाई जब तोड़ता तोड़ कर बस। मतलब दूसरे की गाली सुनने की जो क्षमता है, हाँ, क्षमता वो आपको दरदर वाला बनाती है, ये आप कह रहे हैं? यही यही बात है। अच्छा, हम लोग ये नहीं करते, ठीक है तुम अपना विचार रखे हो कि सत्य। जो गाजीपुर की बात आपने पूछा, आज आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। अगले चुनाव में क्या हुआ कि हम वहीं के रहने वाले गाजीपुर तो सारे एक हो गए। इसके बाद 35, 46, 47 वोट एक काट दिया, राजभर जो था बड़बोल है ही है। और इसके बाद जो है कुछ ठाकुर लोगों ने इधर उधर कर दिया, मोदी जी के वजह से मनोज सिन्हा को मुख्यमंत्री बना रहे थे, ये मामला हम लोग जानते थे अच्छी तरह से। तब भी 1.5 लाख वोट ज़्यादा पाए, तब भी वो 1.5 लाख। अब जो है जैसे मान लीजिए हमारे गांव की हालत ये है कि 2200 वोट है जिसमें 1400-1500 पोल होता है, अब उसमें 100 घर बिंद है, 90 वोट जो है क्या नाम है आपके भरों का है, फलाना ढमाका, ये सारी जातियाँ मैंने नहीं देनी चाहती हैं किसी को, अन्य को मतलब कि मलाह हैं, बनिया हैं, तेली हैं, फलाना जो भी, तो इतना मेहनत हम लोग को नहीं करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग जोगाड़ बना कर बूथों पर जीतते थे लेकिन कम वोट से, लेकिन इस बार हम लोग जरा भी उसकी चिंता नहीं कर रहे। क्या कारण है इसका? यही कारण है कि जनता जो है अपने आप दे रही है, लोग ओबीसी के लोग, सारे ओबीसी के लोग, हम लोग तो ब्राह्मण और बिरादरियाँ तो मान लीजिए है ही है, लेकिन ओबीसी वालों की, आप कह रहे हो ओबीसी वाला वोटर दे रहा है तो कोई कारण होगा ना क्यों दे रहा है? अब ये तो हो जाए, लेकिन सत्य तो यही है तो देना नहीं चाहता किसी उसको, मोदी को छोड़। बाबू जी आप कह रहे हैं कि प्रचार करें ना करें मोदी जीतेंगे, तो काम क्या किया बनारस के लिए? क्या किया? मेहनती है सब, जो मेहनत करेगा 100 में 100 नंबर पाएगा। ऐसी समय भाजपा वाले इतने मेहनत कर, इस समय क्या 10 साल भी मेहनत किए, आगे भी मेहनत यही के रहने वाले, हमने तो देख तमाम लोगों को देखा होगा, नेताओं को देखा होगा, मोदी जी ने पिछले 5 साल 10 साल में क्या किया बनारस? देख लीजिए आपके सामने जो जो नहीं होना था सब कर दिया। ये रोडवे देखिए ना, आप नहीं जानते इस रोड की बात, यहाँ रिक्शा उलट जाएगा, लोग गिर जाएंगे, इसी रोड की बात मैं कर रहा हूँ, कोई दूसरे जगह मत जाइए, इस रोड के 80 की रोड, अब यही रोड है बना हुआ देख लीजिए। ये काशी को काशी बना दिया, अब बुजुर्गों पर अगला 5 साल इनको रहना है तो पाथवे बना रहे हैं पूरा गंगा जी के जो सीढ़ियों को तोड़ करके, इस पर केवल बुजुर्ग लोग चढ़ेंगे, हमारे इसे लोग पकड़ करके इसे जाएंगे। और क्या नाम है आपका? रमाशंकर तिवारी। क्या करते तिवारी जी आप? अध्यापक हैं। जैसे बाबूजी लोग बता रहे हैं कि मोदी जी प्रचार करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना काम किए हैं कि गली गली घूमना पड़ रहा है क्या प्रचार करने के लिए? अच्छा, इतना काम किए हैं कि गली गली घूम करके वोट मांग रहे हैं, अब इतना काम किए हैं। और इस बार का चुनाव पार्टियां नहीं लड़ रही हैं, जनता बनाम पार्टी लड़ रही है, जनता बनाम भाजपा। अच्छा, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सब कुछ से भरा हुआ ये पार्टी है। हाँ, और कमल खिलेगा कि कमल मुरझाएगा ये तो उपचार की बात पता चलेगा, अभी तक तो सब लोग जीत रहे हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत काम किए हैं, इतना किए हैं कि गली गली पलियर के बानर तर घूम रहे हैं। क्या दे रहे हैं? महंगाई में समझे कि नहीं? अखरोट खाओ। एक मिनट सुन लीजिए अखरोट क्यों दे रहे हैं? इसके पूर्व आप प्रधानमंत्रियों को देख लीजिए, चाहे वो हम लोग इंदिरा जी के जमाना से जान रहे हैं, इंदिरा जी से लेकर के और आज तक मनमोहन सिंह तक जिला में एक मीटिंग करते थे, कहीं कहीं चार चार जिला का एक मीटिंग प्रधानमंत्री कर देता था और चारों जिला
लेकिन यह प्रधानमंत्री हर वार्ड में जा रहा है, इतना विकास का कार्य हुआ। हाँ, आप अखरोट क्यों दे रहे थे इनको? ये अखरोट खाने में देख महंगाई, इसको समझ में महंगाई का तो महंगाई चाहिए में अखरोट है, अखरोट खाओ महंगाई। ये कह रहे हैं इसे कि प्रधानमंत्री अगर इतना काम किए थे तो गली गली क्यों जाना पड़ा? हाँ, प्रधानमंत्री उसको गली गली घूमना है। अरे ये अभी लोग चौका में होंगे तब तक वो चला जाएगा चरगुंडा, बम्बई चला गया, बम्बई चला गया, वहाँ बोल रहा है। यही देखिए आप 13 तारीख की आप 13 को और शाम को यहाँ, उससे पहले बिहार से होके आया और फिर वही 2-2.5 घंटे फिर रोड शो में लगा, इसके बाद सुबह 5 बजे जगा और फिर चल दिया इलाहाबाद। वहाँ से जैसे पैदल लग गया है, हमारे आराम जैसे पैदल जा रहा है, किराया से जा रहा है। साइकिलों नहीं खेल लिखल तोहरा भाग्य में तोरा पास बहस चलती है आप लोगों के बीच और लड़ाई झगड़ा तो नहीं होता है ना? साइकिल पर भी नहीं, देश के पैसा और देश का उड़ा रहे हो, अब क्या चाहिए भाई? इसके पहले तो ये लोग अपना कमा के खर्चा करते थे, सब 60-65 साल ये सब अपनी कमाई खर्चा की है। क्या नाम है आपका? राजेश नाम है मेरा, राजेश त्रिपाठी जी। पहले मैं भी मीडिया में ही था लेकिन अब इस वक्त दूसरा काम। क्या माहौल दिख रहा है? माहौल जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि मोदी जी ने का काम क्या काम किया है भाई? वो काम वही जो काम करेगा वही ने घूमेगा, और जो घूमेगा बिना काम किए वो लात खाएगा जनता के सामने। तो दहाड़ के शेर है, शेर है। सांसद जा रहे हैं तो दौड़ाए जा रहे हैं। अरे इन्हीं के सांसद जहाँ आप कहाँ कहाँ देखेंगे, यहाँ पर अब देवरिया में लोग दौड़ा लिए हैं, फिर कुर्सीनगर में दौड़ा लिए हैं लोग, बांसगांव में दौड़ा लिए हैं लोग, अब कहाँ कहाँ कर लेंगे आप? असल में इतना होता क्या है, कारण उसका क्या है जो कह रहे हैं दौड़ा लिए तो दौड़ाएंगे क्यों नहीं? इन सबों का पेट कट गया, चोरी करना बंद हो गया, चोरी कर नहीं पा रहे हैं, हताश है, लाचार है। किसके बारे में बात कर रहे हैं? चोरी माने इन्हीं लोगों की बारे जो क्या बोलते हैं विपक्ष है जो आज तलक करता आया है। अच्छा, हाँ उसी के बारे में बात कर रहे हैं। अब नहीं होता है सब क्या बोल रहे हैं? क्यों नहीं, पहले का जो किया हुआ उसका हिसाब हो रहा है। अच्छा। अब वाला हिसाब बाद में होगा। हमको ये बताइए क्या किया मोदी जी ने बनारस में? क्या किया है? 45 वर्ष ये सब ऐसे यही चिल्लाते रहे, यहाँ से भाजपा ही जीत के ये सब चिल्लाएंगे, अंतिम दिन तक लड़ेंगे और कहेंगे कि बाजी रख लो। हम कहे बाजी पैसे का तो तुम जमा नहीं करोगे, 5 चप्पल की बाजी रहेगी, 3 दिन दिखाई नहीं। वो राजेश मिश्रा तुम आज इनके पार्टी में गए हैं कांग्रेस वाले, पूछिए कब जीते थे? राजेश मिश्रा जो जीते यहाँ से ये भाजपा वाले में से, वो जीत करके ना कांग्रेस वाला गया था। आज कांग्रेस छोड़ के जा क्यों रहे? इसलिए जा रहे हैं, नहीं जवाब, चलती का नाम गाड़ी चले नहीं इनके। जवाब मैं दे रहा हूँ, लालच एक ऐसी चीज है और पद एक ऐसा चीज है कि जिसके लिए आदमी हर लोगों का त्याग कर देता है। और राजनीति में न कोई किसी का सगा होता है और न कोई अपना होता है, स्वार्थ की राजनीति हो रही है। हमारे पास यह सामर्थ्य नहीं है कि मैं यहाँ से चौराहा तक जा करके किसी को देख सकूँ, लेकिन हमें प्रधानमंत्री बनना है। कैसे बनोगे भाई? ये इसलिए अभी तक पड़े हुए हैं क्योंकि इनको उम्मीद है कि जगह खाली हो रही थी, अब बचेगा ज्यादा मात्रा में तो मिलेगा। मान्यवर हम लोग वोटर हैं, सपोर्टर हैं, हम लोग किसी पद के आकांक्षी नहीं। शंकर प्रसाद जायसवाल यहाँ से MP हुआ करते थे, तीसरे बार नहीं जनता चाहती थी क्योंकि उनके कार्य ठीक नहीं थे हम लोग। अब राजेश मिश्र आ गए भाई, नए थे, हम लोगों को साथी हैं, BHU के नेता थे, अब जीत गए चुनाव उनके रिएक्शन में। इसके बाद देख लीजिए कोई आज तक नहीं और न कभी जीतेगा, ये सब ऐसे ही हल्ला करने। और ये हमारी इनकी बाजी 5 चप्पल की रहती है, पैसा तो देंगे नहीं, हम गए 4 को 5 चप्पल तो 3 दिन नहीं दिखाई देगा यहाँ। क्या नाम है आपका? श्रीधर पांडे। क्या करते हैं आप? मैं एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर तो कुछ एस्ट्रोलॉजी की है आपने? बनारस के चुनाव को लेकर, देश के चुनाव को लेकर कुछ आकलन किया है क्या आपने इस बार? पहले भी किया था क्या? आकलन तो हम लोग रोज ही करते रहते हैं। पिछली बार किया था? पिछली बार भी किया था, इसके पहले भी हमने क्या किया था? क्या आया था? जो किया वो सत्य हुआ। सही बोल रहे हैं पंडित जी, जो किया वो सत्य हुआ। इस बार क्या किया है? इस बार अभी यहाँ का चुनाव हो जाने दीजिए, तो चुनाव के बाद बताएंगे फिर तो आदमी कहेगा रिजल्ट आ गया। अभी क्या आकलन है आपका? अभी तो देखिए सरकार, मोदी जी कह रहे हैं 400 पार वाला नारा दे रहे हैं, 400 पार और नहीं होना सरकार इनकी बनेगी। 400 पार नहीं हो रहा है? नहीं,
सरकार इनकी बनेगी। अच्छा, विपक्ष मजबूत हो रहा है। हो रहा है। अच्छा, इसको आप नोट कर लीजिए। अच्छा, कितना मजबूत हो रहा है? अब मजबूत हो रही है। हमको अरे कुछ आंकड़ा है, कोई आंकड़ा देंगे क्या आप? विपक्ष मजबूत हो रहा है, सरकार इनकी बनेगी, कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन 400 पार नहीं। क्यों विपक्ष क्यों मजबूत हो रहा है, क्या कारण क्या है? क्या लगता है विपक्ष भाई? विपक्ष में क्या है, बेरोजगारी है, रोजगार कुछ नहीं है जनता के पास। आम जनता तो परेशान है। 175 आम जनता तो परेशान है। 175 रुपया किलो क्या दाल भाई सस्ती है? प्रधानमंत्री यहाँ के हैं, सांसद हैं। बाकी देखा जाए ऑल ओवर तो इन्होंने बहुत काम किया है बनारस में। बनारस जो पहले था, आज से 10 साल बाद पहले था, आज देखिए तो बनारस का काफ़ी विकास हुआ है और निरंतर विकास होता जा रहा है एकदम। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनता के विषय में भी सोचना चाहिए। मंदिर मस्जिद भोजन नहीं देगा आदमी। क्या नाम है आपका? भोजन समीर। क्या करते हैं समीर जी? पर्यटन का व्यवसाय है। पर्यटन का जी, जिसे बड़ी चर्चा रहती है यहाँ पर्यटन को लेकर बनारस में। तमाम लोग कहते हैं बढ़ा है पर्यटन, लोग आना बढ़ गए हैं। तमाम लोग हमको मिले हुए कह रहे हैं कि भाई उसका फ़ायदा सबको मिल रहा है नहीं मिल रहा, इस पर बड़ा डिबेट है। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए अभी गुरु जी बता रहे थे कि मंदिर के आगे दूसरा शब्द लिए, मंदिर से बहुत कुछ होता है, ऐसा नहीं है। यूपी में, उत्तर प्रदेश में पर्यटन की बढ़ोतरी इस बात का प्रमाण देता है कि अगर आप विश्वनाथ कॉरिडोर बनाते और राम मंदिर बनाते हैं तो लोग आएंगे, और जब लोग आएंगे तो टूरिज्म इंडस्ट्री अनऑर्गेनाइज सेक्टर की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, जो इनडायरेक्टली बहुत लोगों को रोज़गार देती है। इससे बहुत से लोग इनडायरेक्टली जुड़े रहते हैं, सब्जी वाले, चाय वाले, रेस्टोरेंट वाले से लेके डायरेक्ट एविएशन, रेलवे, सब जुड़े रहते हैं, ऑटो, सब लोग जो भी हैं। तो बनारस में आप देखेंगे तो बनारस में आप स्वास्थ्य देख लीजिए, हॉस्पिटल, शिक्षा का देखिए, स्पोर्ट्स का देखिए, उसके अलावा सड़क है, ओवरब्रिज है, रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है। तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, ये सब अगर ये लोग ये चीज़ें नहीं होंगी तो डेवलपमेंट नहीं होता है। और जहाँ तक बेरोजगारी का सवाल है तो इस देश में एकमात्र व्यक्ति बेरोजगार है जिसका नाम है, वो कौन है जो यहाँ से भागा था, अमेरिकी अमेठी से सांसद बाहर के भागा था वायनाड, अरे राहुल गांधी, वही एकमात्र बेरोजगार व्यक्ति है। मैं तो घूमता रहता हूँ, मुझे कोई बेरोजगार है। देखिए निकम्मापन और बेरोजगारी में फर्क है, आप समझिए। बेरोजगार वो निकम्मे तो आपको कई मिल जाएंगे, लेकिन बेरोजगार ऐसा नहीं है। जब देश में हर चीज़ों पे काम हो रहा है, चाहे डिफेंस सेक्टर हो, चाहे एक्सपोर्ट हो, इम्पोर्ट हो, तो और इंडस्ट्रीज हो, आप यूपी ही में देख लीजिए, जो हम लोग डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं तो वो ऐसे नहीं कहते हैं। जो केंद्र का पैसा आया वो यहाँ लगा, पहले केंद्र से तो पहले पैसा नहीं आता था, जो भी आता था वो लगता नहीं था। प्रधानमंत्री जी जब यहाँ के सांसद थे तो पूरी कोशिश यहाँ के मुख्यमंत्री करते थे कि यहाँ का डेवलपमेंट उनके हाथ से रोक दिया जाए। बहुत दिक्कतें आईं, लेकिन जैसे ही केंद्र और राज्य सरकार एक साथ हुई तो जहाँ जहाँ दिक्कतें हुई वहाँ वहाँ आराम से होता चला गया और डेवलपमेंट होता चला गया, और यूपी उस 16वें 18वें नंबर से उछल के 6वें नंबर का राज्य हुआ। जैसे आप कह रहे हैं कि इंडस्ट्री और रोज़गार का विषय, तो इंडस्ट्री और रोज़गार के विषय में क्या हुआ बनारस के क्षेत्र में, क्या हुआ है? देखिए रोजगार के क्षेत्र में आप एक उदाहरण, खाली विश्वनाथ कॉरिडोर आपने जो आप कहा, चाय बेचिए, पकौड़ी बेचिए, खोमचा लगाइए, आप IIT कर रहे हैं, आप BHU में अपने लड़कों को पढ़ा लिखा रहे हैं और ये मान्यवर कह रहे हैं बेरोजगार वही लोग हैं। आप इसको जो है खोमचा लगाइए, सोर्स लगा करके इसको संस्कृत से हम लोग पंडित बनाए, नंबर दिलवाए, तो ये मास्टर हो गया, तो ये अभी सोर्सेस से मास्टर भी हुआ। तो ये बताइए कि जो जो नकले देख के या सोर्सेस से पढ़ेगा वो कंपटीशन क्या कंप्लीट करेगा? टेम्पुए ना चलाएगा, चाहे रिक्शा चलाएगा, वो हाल रोजगार के लिए फल बेचेगा, सब्जी बेचेगा। ऐसा ना बेरोजगार के जो कह रहे हैं, जो लड़का IIT
डिग्री कर रहा है, जो लड़का मेडिकल कर रहा है, जो लड़का पीसीएस आईएएस की तैयारी कर रहा है, इनकी सरकार इतनी चैतन्य है कि परीक्षा होने के पूर्व ही पेपर आउट हो जा रहा है। बाहर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के भाई, उत्तर के पहले जो प्रश्न ही लीक हो जाएगा। नारायण सिंह के शासन में आप जरा विचार कीजिए, नहीं आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। मुलायम 90% यादव ही योग्य थे। अच्छा, मायावती के शासन में 90% हर्जे नहीं योग्य थे। यहाँ तो कोई जाति भी यही जात देख करके तो मर रहे हैं आप लोग। देखिए यही जतिया देख करके मर रहे हैं आप लोग। पढ़ा लिखा आदमी तो है नहीं, नकले से तो पास है मास्टर। अंग्रेज के समय से ही बेरोजगार है, जब भाजपा आई उस समय ये रिटायरमेंट की उम्र में पहुंच गए थे। अपनी पार्टी को दोष नहीं दे रहे जिसका ये समर्थन कर रहे हैं। जो कह रहे हैं IIT का, इनको ये थोड़ी सी जानकारी का अभाव है, जैसे इनके नेता को अभाव है, उनके कान में कोई फुसफुसा के कह देता है राफेल झूठा नहीं ना है। राफेल आपका नेता तो झूठ बोल रहा है। अरे राफेल पे सवाल उठाए तो क्या हुआ, कुछ हुआ? वो हल्ला मचाए। गब्बर सिंह टैक्स जो है कौरव पांडव के समय से हो रहा था, तो वैसे जानकारी उनके कान में कुछ कह दिया वो बोल देते हैं। वैसे ही ये अधिकतर कांग्रेसी आपको इसी टाइप के मिलेंगे। जिस अडानी अंबानी का नाम लेकर के राहुल गांधी चिल्ला रहे थे उस पर, ये सब चुनाव में क्यों प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि टेम्पू का टेम्पू भर करके अडानी अंबानी इनके यहाँ पैसा भिजवा रहे हैं, उनको कैसे पता लग गया कि टेम्पू से पैसा जा रहा है? उसके मालिक थे, उसके खिलाफ सारा इंटेलिजेंस उसके पास है, कहाँ से क्या होगा उसको जानकारी है। अच्छा ये बताइए, अजय राय जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस की तरफ से, पिछले भी दो बार से भी लड़ रहे हैं, इस बार क्या माहौल दिख रहा है उनको लेकर? तीसरे बार भी जमानत जब्त होगी। ये इनके पटीदार है ना, तो जात जात के देख के गुर्राला। हमारे चूंकि ये भूमिहार है, वो भूमिहार है, कब कहिया कि नहीं अजय राय बहुत अच्छे हैं, फिर तो कहना चाहिए। हम तो नहीं कहेंगे, अरे राम हो रहा है, क्या जानता है जात जात को। सुनिए, हम लोग नागेंद्र सिंह जो है जब विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष हुआ करते थे भाजपा के, तो इनको हम लोग कहे के गुंडा बदमाश सरवा उदल के साथ चुनाव, जो कम्युनिस्ट पार्टी का 6 बार से 7 बार से MLA था, उसके खिलाफ इनको टिकट हम लोग दिलवा, यही यही SEA के लोगों ने मिलजुल करके उनको सिफारिश करके दिलवाई। और सुनिए, और जब जब देखा गया कि तो हार जाएगा, बस 2 बजे रात को यहाँ से हम लोग जा करके फाड़ ओड़ करके इनको 1500 से जीता, इनको क्या पता है, ये जानते भी नहीं। तो अब देखिए, जिनके भाई का हत्यारा मुख्तार अंसारी, इन्हीं को भाई के अवधेशरा को मारा अनावश्यक अपने वर्चस्व के लिए, और वो जो है वो जा करके उसके कब्र पर फातिहा पढ़ रहा अखिलेश यादव, और उसी के समर्थन से ही चुनाव लड़ रहे। अब बताइए कहाँ तक सफल हो। देखिए ये लोग फैक्ट से दूर है, ये तो जैसे इनका नेता कह दिया कौआ कान ले गया, जितने नीचे वाले हैं उसके अलावा और कोई इनके पास लाइन नहीं होती है। ये लोग LIC बिक गई, SBI बैंक बिक गया, पता नहीं कौन कौन, हम तो सुन रहे हैं इधर विगत 10 सालों से कि बहुत चीज बिक गई, अभी तक हमको पता नहीं चला, सब प्रॉफिट में ही चली गई। और जहाँ तक अजय राय जी का सवाल है, देखिए चुनाव है, लोकतंत्र है, सब लड़ने के लिए कोई भी आ सकता है, और प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो यहाँ से तो कोई चश्मा लगा के अगर चले, अगर चश्मा लगा के ही चलेगा तो वो तो ठोकर खा के गिरेगा ही गिरेगा। अगर आप जबरन चश्मा लगा ले रहे हैं कि मोदी जी हारेंगे, मतलब ऐसी बेतुकी बात ही करना। अब वो जमानत बचा लें, आप जमानत पे बात करिए। क्या नाम दोस्त? हमारा नाम आसिफ खान है। क्या करते हो आसिफ? हमारा साड़ी का व्यवसाय है। हम लोग कैसे चल रहा है साड़ी का काम? काम तो बहुत अच्छा चल रहा है। चुनाव में क्या चल रहा है माहौल? चुनाव में तो एकदम स्पष्ट है। क्या स्पष्ट? जो 400 पार का इन्होंने जो नारा दिया है ना, ये 400 पार तो नहीं क्रॉस कर पाएंगे, क्योंकि विपक्ष बहुत कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है। लेकिन ये है कि ये जो अपना इनका उनका जो 300 का टारगेट है, ये एकदम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उभर के ये एकदम आ रहा है। बनारस में क्या हो रहा है? तो देश छोड़ो, बनारस में तो एकदम आराम से मोदी जी आ रहे, कहीं कोई संदेह नहीं। अजय राय जी अपनी जमानत बचा ले, बहुत बड़ी बात। मुस्लिमों को वोट मिलेगा मोदी जी को?
नहीं मुस्लिम तोड़ नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे? नहीं देते ही नहीं है ना उनके पास, लेकिन मुसलमान अब अजराय को भी नहीं देगा, कोई विकल्प नहीं है ना उनके पास। क्या कारण है जैसे कि मोदी जी को मुस्लिमों को वोट क्यों नहीं मिलता है? देंगे नहीं उनके पास, उन सब वो सेकुलरिज्म का एक चापलूस होते हैं मुसलमान जो होते हैं ना, एक सेकुलरिज्म जो होता है ना उसके चापलूस है, ये नहीं देते हैं। लेकिन इनके पास, इन्होंने समाजवादी के पीछे हमेशा गए, उधर बिहार चले जाएंगे लालू के पीछे चले जाएंगे, इधर कांग्रेस के पीछे, ये हमेशा पीछे ही रह के। आपका कैसे नाम देते हो? किसको वोट? नहीं हम किसी सेकुलर पार्टी को नहीं देते हैं, और जो हमको अच्छा लगता है देते हैं, और दिया जाएगा क्यों नहीं, वोट तो जरूर देंगे, लोकतंत्र में है तो बिल्कुल देंगे। इन मुद्दों पर दोगे भैया? मुद्दे तो देखिए यहाँ पे महंगाई है, बेरोजगारी, ये सब मुद्दे बहुत बड़े मुद्दे हैं, कारोबार से आती बहुत त्रस्त हो गया, कहीं कुछ नहीं है। लेकिन ये है कि मोदी जी तो समझ लिए अपना स्कोर बना ही रहे हैं, वो मैच खेल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे विपक्ष क्या करता है, कांग्रेस के पास यहाँ पे जब बॉल आती है तो 2014 में भी वो नो बॉल फेंके थे, तो अब जो नो बॉल फेंकेगा तो सामने तो मोदी जी बैटिंग कर रहे हैं, सामने वो जब बैटिंग करेंगे तो नो बॉल पे मालूम है वो क्या करेंगे, फ्री हिट मिलता है, अब फ्री हिट पे वो चाप देंगे, छक्का चौवा मारेंगे। तो आपने 14 में भी नो बॉल फेंकी अजय राय को दे दिया, 19 में भी दे दिया, अब 24 में भी दे दियो, किसी और को देना चाहिए था आप कह रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पे, अरे कोई आपके पास बहुत नेता है, आपके पैराशूट से उतार देते, ये वही घिसा पिटा अजय राय को लेके चले आ रहे हो, वही अजय राय को लेके, अरे भैया जनता मूर्ख थोड़ी है, सब समझ लो। बात करते थे खड़े हैं, क्या नाम भैया आपका? भैया अनुराग शर्मा नाम है मेरा। क्या करते हैं अनुराग जी? पढ़ाई करता हूँ। यहीं के रहने वाले हैं? प्रॉपर। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? ये हरिचंद डिग्री का ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। अच्छा, क्या माहौल दिख रहा है इस बार बनारस में? ये माहौल तो भाई साहब पूरा मोदीमय है। मोदीमय है एकदम। क्या कारण है? कारण ये विकास भी है लगातार, और इसके बाद बिजली है हमारे यहाँ, सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, पहले से तो बहुत चीज़ें स्थिति ठीक हुई हैं। और क्या होना क्या चाहिए, क्या बनारस वाले क्या चाहते हैं अगर जीतते हैं इस बार? तो ये बनारस वाले यही चाहते हैं कि इस विकास में थोड़ा और विकास हो जाए, और हम सभी लोग ये प्रयत्न भी किए हैं कि हम सभी लोगों को 400 पार से ऊपर लेके जाएंगे। 400 पार से ऊपर? तो 400 पार वाला आंकड़ा आप लोग इसलिए दे रहे हैं कि मोदी जी कह रहे हैं, या लग रहा है आप लोगों को? नहीं लग रहा है, जनता देखिए एकदम कहीं ना कहीं मोदीमय है, और जनता भी ये एक बार दिमाग बना लिए कि हम सभी लोग को कमल के फूल का बटन दबाना है। अच्छा भाव जी, ये बताइए जो जीतता है इस बार, जो भी सांसद बनता है आप लोगों का, अपेक्षाएं क्या है बार बनारस वालों की इस बार? अरे भाई देखिए, अब हम लोग जहाँ तक हमारा कि काशी के लिए बहुत अपेक्षा है, जितना उसने काम कर दिया है, अब देखिए चारों तरफ से जोड़ दिया पूरा, अब मैंने आप बाहर जाइए ना देखिए, हर जगह से कनेक्शन कर दिया सब, क्या करेगा कोई, यही ना करेगा कि अब बच्चा पैदा होना है तो आपके घर आकर के कोई ये तो काम करेगा, जनते का ना काम करेगा, चारों तरफ कनेक्टिविटी कर दिया, सारे लोग विकास कर रहे हैं, घर बनवा रहे हैं, घूमती रख के कुछ कमा रहे हैं, कमा तो रहे हैं, अगर ये नहीं बनता तो कहाँ से आप कमाते? ये टेम्पू वाले क्या कर रहे हैं देखिए ना, बेरोजगार चल रहे हैं, सब लोग अपना अपना कुछ कर रहे हैं, टूरिज्म बढ़ेगा तो आपको उद्योग बढ़ेगा, लोग बढ़ेंगे सारा, पर जैसे देखिए ना अयोध्या का हाल आपके सामने, तो यही है, कोई खास बात नहीं है, वो अपना काम करते हैं, करना भी चाहिए। बीएसपी से जो लड़ रहे हैं अतरबिंद लारी, क्या नाम उनका, किनका? बीएसपी लोग दूसरे नंबर पर जाए, दूसरे पे तब का, आप क्या समझते हो कांग्रेस तीसरे पे? अरे भाई हमेशा लड़ा है लारी इन्हीं के साथ, अजय राय के साथ, पहला दूसरा छोड़ दीजिए, यहाँ से करीब 50 मीटर दूर चले जाइए, नगवा, गंगोत्री बिहार, महेश नगर, जानकी नगर, शिवाजी नगर, कलावती नगर, आपको ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र में बता रहा हूँ, और वहाँ जाके पूछिएगा कि पहला दूसरा पक्के जा, ये तो भाजपा यो यहाँ तो अड़ी है, यहाँ आपको वही भाषा निकलेगी, यहाँ 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 सब ओबीसी है, हम लोग बैठे हुए यही ब्राह्मण है भाई, हम लोग तो आइए 24 कैरेट, हम लोग तो 24 कैरेट वाले। क्या नाम है आपका? रामा पांडे। क्या करते हैं? पांडे नौकरी करते हैं। नौकरी करते हैं, जैसे ये कह रहे हैं कि पंडित नहीं, सरकारी नौकरी करते हैं क्या? हाँ, हमारा ड्यूटी लगा ड्यूटी लगी हुई है आपकी? हमारा ड्यूटी शाम को चाहे, जैसे कि आप नागरिक तो हैं, सामान्य नागरिक, कैसा काम हुआ बनारस में? ठीक है हुआ है, जो चाहिए वो नहीं हुआ है। क्या चाहिए था? अरे नौकरी है, महंगाई है, भत्ताई तो भाई जो सोचना चाहिए कि हमसे बात जिन कही भाई, बस इतने हैं, और काशी वासियों को बधाई दे रहे हैं
और अधिक से अधिक मतदान करें, बस इतने कहेंगे। मतदान मतदान किस बात पर लिखा हुआ है? हम लोग एक बात सुनिए, वोटे नहीं है, एक बात सुनिए, नहीं है भाजपा का, अच्छा है कांग्रेस, कांग्रेस का किसी अन्न पर लिखा है कि ये भाजपा है कांग्रेस है? देखिए अन्न तो अन्न है, क्यों बोल रहे हैं? अन्न का सम्मान तुमको खिलाते तो नहीं खाते हो? एक मिनट, इनको जो है ये है कांग्रेस के, लेकिन खिलाता कौन है इनसे पूछिए भाजपा के, क्योंकि ये कांग्रेस को वोट दे के कांग्रेस को हरवाते हैं। अच्छा ये बताइए, जब जब भाजपा वाले मरते हैं तब हरिश्चंद घाट पर कौन जाता है? हम ही जाते हैं। अरे हम ही जाते हैं। देखा भैया ये काम कैला का खाली था मामला कैसे कर गए? यही विकास हुआ है बनारस में क्या? टोटो से टोटो ये जो चल रहा है इसका विकास हुआ है, देख लीजिए क्या चल रहा है, टोटो टोटो हाँ विकास हुआ है। आप लोग बताइए क्या कहाँ रहने वाले, बनारस रहने वाले हैं? बनारस में तो भाजपा का ही है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम यही बनारस के रहने वाले। क्या नाम है आपका? कपिल देव सिंह। क्या दिख रहा है माहौल बनारस में? माहौल में तो मोदी में है और क्या, क्यों है मोदी में? बनारस के लिए किया है, किया है। इसी वजह से, अदरवाइज बाकी तो सब जगह। ऐसा तो नहीं कि प्रधानमंत्री है इसलिए चुनते हैं? नहीं इसलिए नहीं, बनारस के लिए उन्होंने काम बहुत किया है। आपको क्या अच्छा लगता है काम? एक तो सबसे बड़ी बात है ना कि इतना सड़कों का जाल हो गया है बनारस में, कहीं भी जाइए एयरपोर्ट जाना हो कहीं जाना हो तो टाइमिंग कम लगती है, पहले तो बहुत जाम रहता था। और क्या होना चाहिए यहाँ के लिए? बनारस के लिए जॉब की दिक्कत है, जॉब नहीं है लोगों को, जॉब बेरोजगारी तो है ही है, जो कांग्रेस वाले और गठबंधन वाले कहते हैं बेरोजगारी और महंगाई है तो है ही है, इसको इस पर ध्यान देना चाहिए मुझे। हाँ अब ये चलिए भाई, तो ये थी पप्पू गेड़ी, लोगों से बात की, समझा क्या माहौल है बनारस में, और जगह जाएंगे और लोगों से बात करेंगे। आप देखते रहिए हमारी यात्रा कौन जीत रहा है। शुक्रिया। वी गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी।